टाइमिंग एकदम करेक्ट है ना मेरा? फिल्मों में दिखाते हैं सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वाले अक्सर लेट पहुंचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हटके हूँ, मैं पहले ही आ जाता हूँ। देखो, जैसे हमारे देश के फ्लैग की इज्जत होती है, वैसे ही हमारे देश की लड़कियों की होनी चाहिए। फ्लैग की बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तो फिर किसी लड़की की बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई ना? छे 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 छे। और ऊपर से ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। खत्म। और तेरी जिंदगी भी।
देख छोटे, जिन लड़कियों को बचाने के लिए तू यहाँ आया है उन सबको मैंने उस कंटेनर में बंद कर दिया है। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, बचा ले वरना वो सब की सब मौत के मुंह में चली जाएंगी। जो बहादुरी का काम किया है वो बहुत सराहनीय है, इसलिए राज्य सरकार प्रति वर्ष बहादुर सिपाहियों को जो शौर्य चक्र देती है वो शौर्य चक्र इस साल गणेश को बहादुरी के लिए दिया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार ने फैसला किया है और इसी के साथ साथ उन्हें डिप्टी अब कमिश्नर भी बनाया जाता है। बेटा थैंक यू सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। कहिए। आईएएस हो या आईपीएस हो या फिर सरकार की कोई भी नौकरी हो, पूरी आजादी के साथ उन्हें करने का हक दिया जाए, तभी देश तरक्की करेगा सर। श्योर, जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ये क्या है? ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन क्यों? खाकी पहनकर लोगों का भला करने का जो बीड़ा मैंने उठाया था वो अभी लगभग पूरा हो चुका है, फिर से अगर कोई शैतान आया सर तो मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू सर।